नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 20 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। और आज के डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है वो राज व्यवस्था का टॉपिक है। अभी हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा शुरू की है, तो संविधान सभा पर कुछ बहुत बेसिक सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न हैं। 20 प्रश्न हम ऐसे देखेंगे और 10 प्रश्न हम देखेंगे करेंट अफेयर के, जो कि आजकल की घटनाओं पर निर्भर हैं, इन घटनाओं से बनाए गए हैं। आप डेली डेली 30 अगर देखते हैं तो आपके करेंट अफेयर की तैयारी भी अच्छी हो जाती है। ये आपको एग्जाम जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका ये कहना है। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। और पहला प्रश्न ही देखिए कितना सरल प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मैं बार बार विकल्प नहीं पढ़ूंगा, ध्यान से इसको देखिए। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको ध्यान ये रखना है कि संघ संविधान समिति पूछी जा रही है, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत टिक कर देते हैं। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कई समितियों का गठन किया था, जिसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भूलिएगा नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मोतीलाल नेहरू जी के बेटे थे, और एक अधिवेशन हुआ था जिसमें इन्होंने झंडा फहराया था, जब वो 26 जनवरी की तिथि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ तो 26 जनवरी की तिथि जो चुनी गई तो उसी कारण से हुई थी। तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा सम्मेलन था जहां पर ऐसा हुआ था, और किस नदी के किनारे पर ऐसा कुछ हुआ था, क्या था, ये जो भी जानकारी हो आप उसको टाइप कीजिएगा, क्योंकि ऐसा डिस्कशन हम कर चुके हैं। समझ में आ रही है बात? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितनी महिला सदस्य थी, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। 15 ये जो सदस्य हैं इनका नाम भी कभी कभी दे दिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं था या कौन थी, तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। अम्बू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुद, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित और एनी मास्कारेन। इनका नाम एक बार आप अगर इसमें देख लेंगे तो जब कभी आएगा छाटने को तो आप इसको कर लेंगे। तो ये भारतीय संविधान सभा जो थी उनमें महिला सदस्य 15 थी, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और नाम एक बार वैसे देख लीजिए जिससे कि जब कभी छाटने दिया जाए तो आप जान जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस से ही बनी थी तो इसलिए कहा जा रहा है, और कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कांग्रेस भारत था। और ये बात कही थी किसने? ये बात कही थी अस्टेन ने। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार, इतिहासकार थे ये, साहित्यकार नहीं इतिहासकार इनको कहेंगे, ग्रैनविले अस्टेन, और उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। उनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में ये बात उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला जो प्रश्न है, इसकी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। इसकी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये किसी का स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है ये किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बात ये होती है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो कुछ थोड़ा बहुत इसको रटना पड़ता है। और यह कहा था आइवर जेनिंग्स ने, आइवर जेनिंग्स ने मानना था उनका कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है, और इसी कारण से आइवर जेनिंग्स ने यह कथन कहा था, यह वक्तव्य जारी किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? और यह कहा था किसने? हमारे महात्मा ने, बापू ने कहा था, महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उनका मानना था कि अब कांग्रेस का कोई उपयोग नहीं है,
पार्टी के तौर पर इसको, राजनीतिक दौर के तौर पर इसको समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। वैसे ये काम करे लेकिन राजनीतिक दल के रूप में इसके अब कोई महत्ता नहीं है, ऐसा मानना था महात्मा गांधी का। खैर ऐसा हुआ भी नहीं और देश का जो पहला प्रधानमंत्री है वो कांग्रेस ने ही दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला ही क्यों, आगे कई दशकों तक कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनते रहे। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? संविधान सभा में ऐसा किसने कहा था कि 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए वयस्क मताधिकार को, और ये बात कही थी मौलाना आजाद ने। वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस हुई और उसमें मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद उनका नाम था पूरा, उन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 सालों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार ढंग से समर्थन किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया, यानी कि उनके खिलाफ बोले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कारण ये नहीं हुआ, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जन्म और मृत्यु यानी कि दोनों का सन आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में जन्मे थे और 1956 में भारत आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, पहली गवर्नमेंट बन गई। ऐसे ध्यान रखिए 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है महू, तो महू में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों तिथियां इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा में ये थे ना, तो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें ये कहां से निर्वाचित हुए थे? तो इनका निर्वाचन हुआ था बुम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संविधान सभा का प्रारंभिक चुनाव हुआ और उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीते, है ना, और वहां से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले तो अविभाजित भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान में जब यह क्षेत्र चला गया तो फिर से उपचुनाव हुआ और उसमें ये निर्वाचित हुए थे मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो दोनों बातें आपको अलग अलग ध्यान में रखनी है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, मैंने एक प्रश्न अभी आपसे पूछा था, कई बार मैं प्रश्न पूछता हूं फिर उसका उत्तर मैं ही दे देता हूं। वो इसलिए दिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता के दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया तो जो स्वतंत्रता दिवस था, जो हमारी आजादी की वर्षगांठ हम मनाते हैं, वो 15 अगस्त को मनाने लगे, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। कई बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं, छोटे बच्चे, तो आप बड़े हो गए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तिथि पूछी जा रही है कि ये तैयार कब हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो लागू करने की डेट तो ये हो गई 26 जनवरी 1950, लेकिन तैयार कब हुआ था? तो ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो ये शब्द है, ये 26 नवंबर 1949 को लिखा हुआ है ना, तो संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने की, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949 ही है, जैसा भी इसको पूछा जाए, अपना लिया गया था, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन अपनाने की बात हो रही है या तैयार होने की बात हो रही है, कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो ये 26 नवंबर 1949 ध्यान रखिएगा। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थाई और संक्रमणकालीन उपबंध, ये सब लागू हो गए थे, ठीक है। बाकी जो शेष उपबंध थे इनको छोड़ के, नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थाई और संक्रमणकालीन उपबंध, ये सब लागू हो गए थे, बाकी जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब वो लागू हुए।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो किसी ना किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो, क्योंकि ये बेसिक क्लास में इसका करवा रहा हूं आपको, जिससे कि बेसिक प्रश्न भी आपके गलत ना हो। तो संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम ध्यान रखिए, बेनेगल नरसिंह राव, तो बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। मंगलौर में इनका जन्म हुआ था और स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई, 53 में मृत्यु हुई, 87 में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, विधिवेत्ता, राजनयिक और राजनीतिक थे और इनको भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, किसने भूमिका निभाई थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा बी एन राव का नाम ही आप लेंगे। और इनको हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है, जो संयुक्त राष्ट्र यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है। द हेग में है ना, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में, तो उनका उसमें ये अस्थायी न्यायाधीश थे। तो ये भी इनके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखिए, कभी कभी दो तीन फैक्ट देके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, यानी कि संविधान जब बन रहा था भारत का तो कितने अधिवेशन हुए थे, कितने बार अधिवेशन हुए, तो इन अधिवेशनों की संख्या है 12। महिला संख्या, महिला सदस्य कितनी, वो 15 और ये 12। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा 15 कौन सा 12, तो अधिवेशन 12 और महिलाओं की संख्या संविधान सभा में वो कितनी, 15। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान को अंगीकृत किया गया और 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेत हुई। तो 11 वो थे और एक और ये हुआ, तो 11 और एक मिलाकर ये 12 हो गया। तब सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो टोटल जो दस्तखत बनाने वाला भी सम्मेलन जो था, अधिवेशन जो था, उसको मिला लिया जाए तो ये टोटल 12 थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, किस तिथि को पारित किया गया था, यहां से आप डेट आपको बताना है कि किस तिथि को यह पारित किया गया था कि एक संविधान दिया जाएगा, भारतीय भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव। तो ये जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था 1947 में और वो तिथि थी 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947। 15 अगस्त को भारत आजाद हो रहा है और 1947 में, और उसी साल 22 जनवरी 1947 में भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यह भी प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था या किसने पेश किया था, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये प्रेम्बल बना, प्रस्तावना बना, यही हमारा प्रेम्बल बना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये संविधान सभा द्वारा एक संविधान देने का उद्देश्य पारित कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, ये 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, वो तिथि आपसे पूछी जा रही है। ये सेशन शुरू हुआ था 1946 में और ये तिथि थी 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के साथ प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान सभा की स्थापना, वहीं से शुरू हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ हो गई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, चुने हुए और अस्थाई सदस्य, संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई सदस्य कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई तौर पर, अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दो दिन बाद, ये 9 दिसंबर की बात है और इसमें दो दिन बाद 11 दिसंबर की बात आती है, केवल दो दिन ये रहे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, चुना। तो अस्थाई तौर पर चुने हुए
कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी तौर पर किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? आपको पता है कि जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए, संविधान सभा जो बनाई गई थी, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, इसको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि हर जगह के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए, और इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इन सदस्यों को चुना गया था, और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार उस समय प्राप्त नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी को जो चुनने वाले लोग थे, सबको मताधिकार नहीं प्राप्त था, लेकिन जिनको चुना गया था तो उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं गलत बोल गया, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों को निर्वाचन जो हुआ था उनका, वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुना गया था, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। पूरा सेंटेंस ये है, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा नहीं चुना गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले गलत बोल गया था, तो फिर से आप इसको समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया था, और इसमें उस समय की जो स्थिति थी, सबको मताधिकार प्रदान नहीं था, प्राप्त नहीं था, और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार उस समय दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कौन सी पार्टी थी? तो ये सरल सा प्रश्न है, ये थी स्वराज पार्टी, और 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की, जिसको कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार किया, और फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो 1937 में हुआ था। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया, तो ये फैजपुर अधिवेशन था। इसमें इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। तो ये फैजपुर अधिवेशन में ये बात हुई थी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था, इसके पहले नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1946 में गठित पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार गठित की गई थी, तो कौन इसमें सदस्य नहीं था? हाँ और नहीं पे खूब ध्यान दिया कीजिए। अब इसमें चार नाम है, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। इनमें से देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी थे जिनको शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इसके सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें नहीं थे, बाकी लोग थे, गोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, ये नहीं थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 42, कैबिनेट मिशन 1946, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऐसे तुरंत मत टिक कीजिएगा। तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 थी, उसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि का अनुपात कितना था? तो एक प्रतिनिधि का अनुपात, यानी कि कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी, तो ये संख्या रखी गई थी 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होने का मोटे तौर पर, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल गिन के, एक भी कम एक ज्यादा नहीं, मोटे तौर पर ये सब किया जाता है। तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को, जो आजकल की घटनाओं पर आधारित है, इसको हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आप अगर आरओ यारओ की तैयारी कर रहे हैं या आप जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक नंबर है 6307-281212, तो दिए गए नंबर पर आपको अपने कोर्स के बारे में लिख के भेजना है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। जल्द ही पूरे डिटेल सूचना के साथ ये कोर्स लॉन्च हो जाएंगे और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहां पर आपको मटेरियल भी मिलता रहेगा। रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत को दुसाध्य चार डिफिकल्ट फोर देश का नाम दिया गया है। रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत, इन देशों में नागरिकों के पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है। ये दो स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कि ये चार देश हैं डिफिकल्ट फोर। ये बिल्कुल सही है, रूस, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया है ना, इनको क्या कहा गया है, दुसाध्य चार। और इन देशों में जो नागरिक हैं, माना जा रहा है कि नागरिकों के पास जो इनके अधिकार हैं उनके लिए लड़ने की क्षमता नहीं है। इस वर्गीकरण को ब्रिटेन के एक सदी पुराने नीति संस्थान चैटम हाउस के द्वारा इसको तैयार किया गया। किसने तैयार किया है, चैटम हाउस, और ये कहाँ का संस्थान है, ये है ब्रिटेन का संस्थान। इसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स या चैटम हाउस, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दुसाध्य चार याद रखिएगा, रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कौन सा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई समझौता से अलग होने की घोषणा की। ओपन स्काई ट्रीटी, OST इसको बोलते हैं। इसमें से आपको पता होगा, पहले भी चर्चा हमने की है कि अमेरिका पहले ही अलग हो चुका और अभी रूस ने भी घोषणा कर दी है। रूस ने कहा कि अब ओपन स्काई ट्रीटी से वो अलग हो जाएगा। ओपन स्काई समझौता 30 से अधिक देशों का एक समझौता था जिसमें भागीदार जो देश थे उसमें अन्य देशों के किसी भी भाग के ऊपर हथियार रहित टोही विमान उड़ाने की अनुमति दी गई थी कि वो उड़ा सकते हैं, हथियार रहित टोही विमान। ये था ओपन स्काई समझौता। और एक है, आप एक संधि भी है ना, तो मतलब आप ऐसे सोचिए, एक होता है ओपन स्काई, आप ऐसे देखते हैं कि किसी भी देश के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट एक होता है ओपन स्काई, तो कोई देश है, आप उस देश में या उस देश के अलग बियॉन्ड किसी दूसरे देश में अपना वायुयान भेजना चाहते हैं तो उस देश के ऊपर आप उड़ा सकते हैं, तो एक तो वो होता है। लेकिन ये OST जो है, मुक्त आकाश संधि जो है, ओपन स्काई समझौता जो है, इसको शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने के लिए शुरू किया गया था, तो ये उससे अलग है। ऐसा मत समझिएगा कि वो ओपन स्काई एग्रीमेंट की तरह ही है। ये 30 देशों के से अधिक देशों के द्वारा बनाया गया था और शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने के लिए सबसे पहले वर्ष 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय ड्वाइट आइजन हावर, तो आइजन हावर के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो मुक्त आकाश संधि, तो अमेरिका पहले ही बाहर हो गया था, अब रूस भी कह रहा है कि हम इससे बाहर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ये कमजोर हो रही है। अगला जो प्रश्न है, जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भाग लेने के लिए किसको आमंत्रित किया गया है। जून में ये हो रही है, G7 शिखर सम्मेलन है, अतिथि देश किसको बनाया गया है, और ये देश है उपर्युक्त सभी, कौन कौन से देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। यहाँ पे तीन देश दिए हुए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, इन सभी को अतिथि देश के रूप में, गेस्ट कंट्री के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। G7 शिखर सम्मेलन में जो ये देश भाग लेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं कि G7 सम्मेलन के बारे में कुछ बातें हम कर लें। G7 शिखर सम्मेलन है क्या, इसकी स्थापना 1975 में G8 के रूप में मूलतः हुई थी, विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों की ये संस्था थी, सबको एक मंच पर लाती थी, अनौपचारिक फोरम था ये। G7 का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। समय समय पर यह आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए सहमति से कार्य भी करता है। इस समय इसके सदस्य देखे जाएं तो कौन कौन है इसके सदस्य में, ब्रिटेन है, USA है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है और इटली है, तो ये इसके 7 देश है। ठीक है, और इस समय इसकी ये मतलब ये चर्चा में हमेशा बना रहता है,
और इसका जो अभी सम्मेलन हो रहा है, तो ये G7 शिखर सम्मेलन, तो ये 2019 में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, 20 में कहाँ हुआ था, ये भी आपको जानना चाहिए। 20 का जो सम्मेलन था ये कैम्प डेविड में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, कैम्प डेविड। और जो 21 का सम्मेलन है ये ब्रिटेन में इसका होना है, इसका 21 का सम्मेलन ये कहाँ होगा, ब्रिटेन में होगा, तो ये स्थान भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, 5G तकनीक के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। अभी आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, उसमें 4G, बीएसएनएल अगर आपका नहीं है, बीएसएनएल तो 4G लॉन्च करने की सोच रहा है या लॉन्च कर रहा है, बाकी सब 4G चल रहा है। अब इसके बाद 5th जनरेशन आ रहा है, तो 5th जनरेशन के बारे में जो टेक्निक है, 5G टेक्निक मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी है, और 5G तकनीक से डाउनलोड और अपलोड गति में 4 घातांकी तरीके से एक्सपोनेंशियली तेजी आएगी। 4 घातांकी नहीं 4 घातांकी, मतलब बहुत तेज हो जाएगी, चाहे आप कोई चीज डाउनलोड करें और चाहे कोई चीज अपलोड करें, ये सब तेज हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये इसीलिए लाई ही जा रही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन, पांचवी पीढ़ी। और अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उसने कहा है अगले 10 वर्षों में हम 5G बैंड सहित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उपयोग के संबंध में विशेषज्ञों की राय हम मांग रहे हैं, और अगले 10 वर्षों के लिए ये सब बनाया जाएगा प्लान जिसमें इसको लॉन्च किया जाए। तो 5G तकनीक ये अगली पीढ़ी होगी, अभी 4G LTE चल रहा है और उसमें वोल्टी भी होता है, यानी कि वो वॉइस ओवर LTE, जब जियो की सिम आई थी तो आपने ये पढ़ा होगा, वोल्टी लिख के आता था, तो वॉइस ओवर LTE, तो LTE कनेक्शन को, जो 4G LTE कनेक्शन हो को प्रतिस्थापित करने की नई तकनीक होगी वो 5G तकनीक होगी, इससे स्पीड बढ़ जाएगी। जो अभी आप जो वीडियोस देखते हैं HD कभी कभी नहीं चलता है वो भी चलने लगेगा, साथ में आप जितना भी डेटा ट्रांसफर करते हैं उसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, और आप जो काम अभी ब्रॉडबैंड से कर पाते हैं मोबाइल फोन से नहीं कर पाते हैं वो आप मोबाइल फोन से करने लगेंगे। अगला जो प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस भारतीय नेता को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? तो G7 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, और इन्होंने नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। वो वहां के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो अपने समकक्ष को इन्होंने बुलाया है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक के बागलकोट में विभिन्न किसान हितैषी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? बागलकोट कहाँ है? कर्नाटक में, और यहाँ पर किसान हितैषी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया उसका, और ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। 17 जनवरी को ये गए थे बागलकोट, और वहां पर इन्होंने बहुत सारी फार्मर फ्रेंडली प्रोजेक्ट थे जिनकी स्टार्टिंग की है ना, और उसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है, शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। चुनावी माहौल इसमें चल ही रहा है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो ये सब काम इधर उधर भी किए जाते हैं कि थोड़ा सा लगे कि हाँ ऐसा नहीं है, बहुत काम हो रहा है, काम हो भी रहा है, अब कितना लाभ आपको मिल रहा है ये आप ही बता सकते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया? क्या थे ये? शास्त्रीय संगीतकार थे, और इनका नाम था उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। 17 जनवरी को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में ये नहीं रहे, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1991 में, 2006 जब आया तो इनको पद्म भूषण दिया गया, और 2018 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, तो तीनों पद्म पुरस्कार ये प्राप्त करता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, और 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय संगीतकार थे गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भारत में केंद्रीय मंत्री हैं, और ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ये अच्छा लिखते भी हैं, इनकी कई किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं, और इस समय ये शिक्षा मंत्री है, है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय, और वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, पहले उत्तराखंड के CM हुआ करते थे। हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया है,
कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय विसारिया की उपस्थिति में उनको ये प्रदान किया गया। किसको? रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला जो प्रश्न है, भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स इकाई जो हाल ही खबरों में थी, हाल में अभी खबरों में आई भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स, गेस करिए। भद्रावती नाम आ रहा है तो यह हो जाएगा कर्नाटक का। अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले में भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स की एक इकाई की स्थापना की आधारशिला रखी है। तो शिवमोगा जिला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, भद्रावती वहीं पर है। RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष शाखा है ये, ठीक है। और इस इकाई में राज्य में CRPF की पहली बटालियन होगी और राज्य सरकार ने CRPF को इसके लिए 50 एकड़ से अधिक जमीन प्रदान की है। तो ये कहां पर? कर्नाटक राज्य में। अगला जो प्रश्न है, उइघुर कौन है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में निवास करने वाले लोग, चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में निवास करने वाले लोग, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, म्यांमार के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, या चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में निवास करने वाले बौद्ध लोग। उइगुर कई बार चर्चा में रहे हैं और जो उइगुर है ये चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत, वहां जो पड़ता है, चीन का जब आप देखेंगे मैप तो उत्तर पश्चिम में सिंजियांग प्रांत यहाँ पर पड़ेगा, तो सिंजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। भयावह स्थिति वहां पर, मानवाधिकारों की जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है। सबसे ज्यादा जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं वो भारत में उठा सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है, लेकिन चीन जैसे स्टेट में, चीन जैसे देश में, वहां पर कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां पर तो आवाज उठाने पर भी फांसी की सजा दी जाती है। तो ब्रिटेन की सरकार ने चीन पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निरीक्षकों को सिंजियांग का दौरा करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाला है कि वहां पर जाके ये लोग देख सके कि वहां पर कितनी खराब स्थिति है। चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में जो लोग ये निवास कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति में रह रहे हैं। इनकी जनसंख्या तकरीबन वहां पे जितने लोग हैं उनमें 40% इनकी जनसंख्या है और चीन की तुलना में तुर्की तथा अन्य मध्य एशियाई देशों में करीबी निर्जातीय संबंधों का दावा भी ये करते हैं जो उइगुर जाति के लोग हैं कि हम उनके करीबी हैं। तुर्की और अन्य मध्य एशियाई देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके ये बता रहे हैं कि हम करीबी हैं निर्जातीय तौर पर। तो अब इतनी खराब वहां पे दशा है और चीन में कोई दखल दे नहीं सकता, वहां पर जा नहीं सकता। वहां पर देखिए अभी WHO के लोग गए थे तो उनको भी उसने क्वारंटाइन कर दिया। वैसे उनके यहाँ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, सब खत्म है, कोरोना कुछ है ही नहीं है, लेकिन इन लोगों को तुरंत वो क्वारंटाइन करके और फिर परेशान किया जा रहा है कि मतलब वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं वहां पर। तो ये सिंजियांग प्रांत है चीन में, वहीं पर ये उधर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कैसा लगा आपको Daily 30 जरूर बताएं। संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहें और जो लोग टॉप कर रहे हैं उनको फिर से बधाइयां। और इस बार दो तीन नाम जो सेम थे फिर से अगर वो लोग टॉप कर जाते हैं इस बार तो उनके लिए आगामी जो कोर्स में, एक कोर्स में एडमिशन चाहेंगे, ₹500 तक मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसका कोई मतलब नहीं, उसमें उनको एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। वो उसके पात्र होंगे या होंगी, अभी महिलाएं ही कर रही हैं इसलिए मैं होंगी बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।